श्यामी प्रसाद मौर्य क्या है, क्या है वो? एक तीन कौड़ी का आदमी है, फालतू बुलवाता है हमसे, उसको मूर्खता की पदवी दे करके जूता का माला पहना दो, बस यही हम चाहते हैं। क्या कर लेगा हमारा, वो सरकार में भी रह के हमारा बाल नहीं मगा कर सकता है। आकर के हमसे सुने ना रामचरितमानस, क्या चौपाय पर विवाद है? विवाद उठाने वाला सठ है, मूर्ख है, अनपढ़ है। देखिए, शूद्र जो है हर बिरादरी में होता है। शूद्र शब्द का जो रामचरितमानस में प्रयोग हुआ है, तो जो कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म जिसके नहीं है, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, या वैश्य हो, या कोई, उसको शूद्र कहा गया। ना किसी जात में कोई शूद्र, हर जात में शूद्र होते हैं। जैसे मंत्री जी को शूद्र ही कहा जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता। तो इस तरह के शूद्र जो मंत्री जी बोले हैं, इन्हीं का ऐसा अपमान होगा। लेकिन मंत्री जी को तो एक और पद ऊंचा, उनको दर्जा मिल गया। नहीं, दर्जा मिल गया है, मिल गया है, लेकिन उसका अंत अभी नहीं आया है ना। दर्जा तो इसीलिए मिला है कि उसने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, हमारी संस्कृति का अपमान किया है। तो अब दर्जा तो ऊंचा मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो अपमान करने का दर्जा देते हैं। जिसका जितना दिमाग बुद्धि चल रहा है, अपने राज वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको टिप्पणी करना था तो बाइबल और कुरान ये सब को भी लेकर के करना चाहिए था। चलो, रामचरितमानस क्यों कर रहे हैं? रामचरितमानस पर उठे विवाद पर संतों की क्या है राय, आइए जानते हैं। ये जो रामचरितमानस पे विवाद उठ रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, और विवाद उठाने वालों पर आप उन्हें किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? विवाद उठाने वाला सठ है, मूर्ख है, अनपढ़ है, वह बिल्कुल पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस का कभी उपन्ना नहीं पलटा है। क्या चौपाय है, क्या लिखा है, क्या उसका भाव है, या उचित ढंग से वह जानता नहीं है, कभी गुरुमुख से वह पढ़ा नहीं, जबकि वो तो बिहार के शिक्षा मंत्री है। अरे, वो शिक्षा मंत्री होने से क्या होता, महासठ है, मूर्ख है। आकर के हमसे सुने ना रामचरितमानस, क्या चौपाय पर विवाद है, किस चौपाय पर विवाद उठाता है? शूद्र को लेकर के कहा है। शूद्र नहीं कहा है, उसमें कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें शब्द एक ही है, ताड़ना। ताड़ना का अर्थ वह नहीं जानता है। ताड़ना का अर्थ नीति शास्त्र और प्रीति शास्त्र दोनों से निकालना पड़ता है। उसमें दो जड़ और दो चेतन का उदाहरण दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी। पशु और नारी को इसका मतलब है, जैसे ढोलक को ही पहला ही शब्द ले लो, ढोल। ढोल को ताल मात्रा मिलाना पड़ता, ज़्यादा पीटोगे तो फूट जाएगा है, और कम पीटेगा तो बजेगा नहीं। उसको सूर तक इसका अर्थ नीति शास्त्र और प्रीति शास्त्र दोनों से निकालोगे तो स्वाभाविक है कि उसका शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा। यह सब अनुशासन का चीज है। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि मार दो उसको, अनुशासित रखना। जैसे स्त्रियाँ हैं, स्त्री को अनुशासन में रहना चाहिए, तमाम सभी शास्त्र इसको कहते हैं। शूद्र को अनुशासन में रखने का कहा गया है, ये नहीं कि फ्री होल्ड सेवक, सेवा करना उनका, चारों वर्णों का चतुर्विध में जब विभाजित किया गया तो उसमें शूद्र का सेवा करने का भाग दिया गया। तो प्रेम से चारों वर्णों का सेवा करें, और शरीर में ही बांटा, यदि शूद्र को हम वर्णाश्रम से निकाल देने का बात यदि वह करता है तब, नहीं तो हमारा वेद पुरुष महर्षियों ने इस शरीर में ही चारों वर्णों को विभाजित किया। चारों वर्णों को, मुख को ब्राह्मण कहा, क्षत्रिय को भुजा कहा, वैश्य को पेट कहा, शूद्र को पैर कहा। अगर यदि वह शूद्र पर घृणा करता है तो तुम अपना पैर काट करके और तुम अपना शरीर को चला करके दिखाओ तो हमें। कभी ऋषियों ने, संतों ने, वेदों ने कभी वर्ण विभाजित नहीं किया, वर्ण भेद नहीं किया, और ये सब वर्ण भेद कर दे रहा है। इसलिए सारा सब सारा के सारा जो विवादित है सब मूर्ख करता है। ये सब वोट का चाल है, तो वोट के लिए कर रहा है। उसको न तो रामचरितमानस से लेना है, न तो गीता से लेना है, न तो भागवत से लेना है। स्वाभाविक है कि वह तो अपने वोट के लिए राजनीति कर रहा है। और नेताओं के अनुसार जो लोग प्रतियां जला रहे हैं इसकी, वो तो अपराध का, पुण्य पाप का महाभागी बनेगा, उसका पाप भुगतना पड़ेगा जो जला रहा है उसको। नेताओं को नहीं भेजना, जो जो प्रतियां जला रहा है वह भगवत स्वरूप है रामचरितमानस। वह कोई पोथी किताब नहीं है, वो भगवान का साक्षात शब्दमय मूर्ति है।
जिसको रामचरितमानस या भागवत गीता कहते हैं इत्यादि, सारा शास्त्र भगवान का शब्द स्वरूप है। और इसी शब्द स्वरूप पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, रामचरितमानस को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया है और ऐसा कहने वाले नेता को जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी पदोन्नति कर दी गई है। नहीं 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 नहीं, पदोन्नति तो मूर्खता के कारण किया गया। क्या समाजवादी पार्टी न सरकार है न प्रकार है, क्या पदोन्नति कर दिया गया? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, क्या है वो? एक 3 करोड़ का आदमी है, फालतू बुलवाता है हमसे। हम लोग जब स्पीच देने लगेंगे तो वैसा वैसा नेताओं को झाड़ देते हैं, नंगा कर देंगे। क्या कर लेगा हमारा? उस सरकार में भी रह के हमारा बाल नहीं मगा कर सकता है, हम उसके अधीन आदमी नहीं है, साधु स्वतंत्र होता है। तो उनको क्या कड़ी सजा दी जानी चाहिए आपके हिसाब से? उनके लिए क्या सही चीज है जो इस जो उन्होंने ऐसा जो कुछ नहीं, उसको मूर्खता की पदवी दे करके जूता का माला पहना दो, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा, उसको मूर्खता का पदवी दे दो। इसमें क्या है, जिसका जितना दिमाग बुद्धि चल रहा है, अपने राज वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको टिप्पणी करना था तो बाइबल और कुरान ये सब को भी लेकर के करना चाहिए था, चलो रामचरितमानस पे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि सारे सवाल हिंदुओं पर ही क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं ये? उनको केवल अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में कर रहे हैं और ऐसे वो सारा मुस्लिम वोट को पक्ष में लेना चाहते हैं, लेकिन केवल मुसलमान से वो कभी भी शताब्दी में भी वो सरकार नहीं बना सकता है। केवल मुस्लिम वोटों के चक्कर में पड़ करके वो सारे हिंदू को नाराज करके चाहेगा कि मैं सरकार बना लूं, तो उसके लिए शताब्दी भी प्रयास करके देख ले, कभी भी वो सरकार में नहीं रह सकता है, नहीं बन सकता, उसकी सरकार नहीं बन सकती। रामचरित्र जो मानस है, राम का चरित्र है, और इस चरित्र को या तो जो मंत्री जी ने बोला है तो भारत की संस्कृति का उनको ज्ञान नहीं है। रामायण में भगवान ने मर्यादा, सबकी मर्यादा, प्रजा की मर्यादा क्या होती है, गुरु की मर्यादा क्या होती है, पत्नी की मर्यादा क्या होती है, सारी मर्यादा, उसका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विषय में इस तरह की आलोचना करना किसी मंत्री या देश के नागरिक के लिए महान, ये तो ना तो रामचरितमानस का कोई ऐसा नुकसान होने वाला है, जो मंत्री जी बोले हैं इन्हीं का ऐसा अपमान होगा। लेकिन मंत्री जी को तो एक और पद ऊंचा उनको दर्जा मिल गया। नहीं, दर्जा मिल गया है, मिल गया है, लेकिन उसका अंत अभी नहीं आया है ना, अंत थोड़ा टाइम लगता है, किसी का अंत आने में थोड़ा समय लगता है। दर्जा तो इसीलिए मिला है कि उसने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, हमारी संस्कृति का अपमान किया है, तो अब दर्जा तो ऊंचा मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो अपमान करने का दर्जा देते हैं, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपमान करने का दर्जा देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश की मर्यादा को अपमानित किया है, तो दर्जा दिया है कोई बात नहीं, दर्जा नहीं कि अंत होगा इनका, ईश्वर की तरफ से इनका अंत होगा, ये पक्की बात है, आप लिख लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो यह है कि मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए और बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए उचित नहीं है, जो जैसा करता है उसको भोगना भी पड़ता है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में मर्यादाओं को सिखाता है, और ऐसे ग्रंथ के ऊपर आलोचना करना इतना कितना हृदय गंदा होगा, हाँ इतना हृदय गंदा होगा उसका जो इस तरह की बात करता है। तो हमको तो यही लगता है कोई भारत की संस्कृति का अपमान करना या रामायण का अपमान करना, ये कोई इस तरह से एक बार इसी विधानसभा में किसी ने रामायण का जो है पेच फाड़ के फेंक दिया था, तो भारत में तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ न किसी की मर्यादा है, न किसी की इज्जत है, न कुछ है। नहीं, भारत तो हमारा सही रास्ते पर है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मान मर्यादा देश की भंग करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को भंग करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-10% लोग हैं, वो अपने मतलब एक नैतिक के बजाय अनैतिक प्रभाव दिखा करके देश के मर्यादा को भंग करके अपनी तरफ वो दिखाना चाहते हैं,
कि ये जो है कि हाँ इस तरह का नहीं, इस तरह का है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर ये विवाद खड़ा किया गया है, उसका असली मायने में मतलब क्या है? ढोल गंवार शुद्ध पशु है। देखिए, शूद्र जो है हर बिरादरी में होता है। शूद्र शब्द का जो रामचरितमानस में प्रयोग हुआ है, तो जो कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म जिसके नहीं है, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, या वैश्य हो, या कोई, उसको शूद्र कहा गया। ना किसी जात में कोई शूद्र, हर जात में शूद्र होते हैं, हर जाति में शूद्र होते हैं, ना कि कोई व्यक्तिगत कोई जात बिरादरी में ऐसा कोई नियम नहीं। तुलसीदास जी का संकेत शूद्र का यही है कि जो अच्छे कार्य ना करे, मर्यादा को ना माने, जैसे मंत्री जी को शूद्र ही कहा जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता। तो इस तरह के शूद्र हैं। मंत्री जी तो कहते हैं कि तुलसीदास जी का कहना है कि जो शूद्र है वो अधम है। नहीं, अधम नहीं, गलत बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं। शूद्र किसी के लिए नहीं कहा गया, जिसके कर्म अच्छे नहीं वही शूद्र है। कर्म के आधार पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, अब इसमें क्षत्रियों में भी शूद्र होता है, ब्राह्मणों में भी शूद्र होता है, और शूद्र का जो कार्य करते हैं वो शूद्र की ही परिभाषा में आते हैं। किसी जाति व्यक्तिगत का इसमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी जात के लिए तुलसीदास ने इंगित नहीं किया, आप पढ़ के देख लीजिए। कर्म के ऊपर जो है ज़रूर इशारा किया गया है कि अगर कर्म नहीं अच्छे हैं, शुभ कर्म नहीं कर रहा है, देश से प्रेम नहीं है, देश के प्रति अच्छी भावना नहीं, यही तो सूत्र है। देखो, यह आज से नहीं, अपनी संस्कृति जो है बहुत दिनों से सताई गई है। तो एक तो यहाँ इतने ग्रंथ हैं, इतना समाज है, जात में, धर्म में, ग्रंथों में, मंदिरों में, धर्म में, हिंदू धर्म कई जगह जो है उसका दिमाग लगा दिया गया, नहीं ये नहीं सही है, ये सही है, ये नहीं, ये सही है। आज तलक मतलब 47 में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं हिंदुओं के लिए बनाई गई जो हमको ये पता बताए कि नहीं, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में क्या करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, कि शास्त्र कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे पढ़ करके हम अपने जीवन शैली को सही रास्ते पर ले जाएं। गाइडलाइन ना होने की वजह से आज ये भ्रम ही भ्रम पैदा हुआ है। और देखा जाता है कि जो ज़्यादातर सवाल खड़े किए जाते हैं वो हिंदुओं के ऊपर, जो धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आप संगठित नहीं हैं हिंदुओं में संगठित। हाँ बिल्कुल, संगठन इलेक्शन में भले हो जाते हैं, वोट वोट देने के लिए भले मतलब संगठित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ कोई ऐसी बात आएगी तो सब कहे हमसे क्या मतलब है, वो कहेगा हमसे क्या मतलब है। अगर आपका ही अपमान होने लगेगा तो अभी इसी में लोग यही कहेंगे कि हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कोई व्यक्ति सताया जा रहा है तो ये आप निश्चित समझिए सारे लोग सताए जाएंगे, सारे नागरिकों के ऊपर आएगा। अगर एक नागरिक आपका कमज़ोर हो रहा है तो एक परिवार आपका बेकार हो गया। इसलिए सबको हमसे यही प्रार्थना है, अपने जो देश के नागरिक हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबसे प्रार्थना हम यही करते हैं कि जो इस तरह की कोई मंत्री या कोई अधिकारी इस तरह का वातावरण बनाता है, ऐसे मंत्री को तो बिल्कुल अब यह है कि पद से तो हटा ही देना चाहिए था। अगर नहीं हटा रहे हैं तो उनका परिणाम अंत में बुरा ही निकलेगा, अच्छा नहीं निकल सकता। उगरही होय न अंत निबाहू, काल नेम जिम रावण ना हो, मतलब अंत में इसका परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अभी तो आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, पद भी मिल जाएगा, वाहवाही भी कुछ लोग करेंगे, माला भी पहनाएंगे, क्षणिक खुशी होगी। हाँ, क्षण के क्षणिक है। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि उघरई अंत न होई निभा, अंत में उसका जो है पूरा चरित्र खुल जाएगा और अंत में उसका विनाश हो जाएगा। तुलसीदास के ही चौपाई कह रहे, हम थोड़ो कह रहे अपने आप। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, देश है तो हम हैं, देश की समझिए कि मान मर्यादा भंग करना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में पूजनीय है, लोग पूजा भी करते हैं, कि ज़्यादातर लोगों के घरों में भी रखा जाता है, सब में रखा जाता, हिंदू नहीं पूजता है, सब लोग पूजते हैं। अब देखिए, उर्दू में भी रामायण चल रही है, इंग्लिश में भी चल रही है, जितनी भाषाएँ सब में रामायण का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन अब ये क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, अब ये तो समझना थोड़ा कठिन है कि अब इतने बड़े पद पर रह करके एक मान मर्यादा भंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
तो हम पहुंचे थे हनुमंत धाम और रामचरितमानस पर उठ रहे विवाद पर जनता की क्या राय है, उनकी धुआंधार प्रतिक्रिया हमने आप तक पहुंचाई। तो इस मुद्दे पर अब आप भी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगला मुद्दा क्या हो जिसपे हम जनता के बीच पहुंचे और उनकी राय आप तक पहुंचाएं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सनातन टाइम्स।